हेलो हाय एंड नमस्कार सभी को। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए और अमेजिंग होने वाला है। और आज की वीडियो में मैं आपको लेड नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये वर्क करती है हमारी सैमसंग गैलेक्सी A50, A30, S10, S10 प्लस, A20, M30, ये जो डिवाइस हैं इनमें ये ट्रिक जो है वर्क करती है। और कैसे वर्क करती है, कैसे नहीं करती, पूरा यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और वो ट्रिक जो है कैसे वर्क करती है और कहाँ से आपने उसे एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है, पूरी सेटिंग्स आपको A to Z यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मेरे पास जो डिवाइस है ये है सैमसंग गैलेक्सी A50 और ये ट्रिक मैं A50 में करके बताऊंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, लेट मी नो, ये एप्लीकेशन है, इसको आपने ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद जो भी परमिशंस मांगेगा आपने अलाउ कर देनी है। फिर उसके बाद सेटअप, यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है, फिर आप इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। फिर आपने ओपन सेटिंग्स, ओपन सेटिंग्स पे जाके जो है आपने एक्सेसिबिलिटी वाली सेटिंग्स पे जाना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंस्टॉल सर्विसेज पे जाना है, फिर लेट मी नो को आपने यहाँ से ऑन कर देना है। तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं। तो अब ये काम कैसे करती है, सो दोस्तों ये काम करती है आपकी AOD मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ काम करती है। अगर आपके फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तभी ये काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। तो A50 में तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला बेसलाइन स्टाइल है दोस्तों, बेसलाइन स्टाइल। तो बेसलाइन स्टाइल में क्या है, यहाँ पे जब मैं इसे लाइव मैं आपको प्रीव्यू बताऊंगा, मान लो कि मेरे फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है या फिर व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज आता है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुकी है। ड्रॉप, यहाँ पे जो मेरा जो यहाँ पे ड्रॉप नॉच ड्रॉप है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गई है, मतलब इस तरह से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पे कैसे आएगी, तो यहाँ पे आप जो है कोई भी मैसेज आएगा तो आ जाएगी। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, मान लो कि मैं कोई और कलर रखना चाहता हूँ, मैं येलो रखना चाहता हूँ, तो ये देख सकते हो ऊपर आप नोटिफिकेशन जो है आप येलो पे आएगी। और आप इसकी जो एडजस्टमेंट है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो आप आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब इसकी जो जितनी भी यहाँ पे सेटिंग है इसकी यहाँ पे आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे कर दिया, तो इसका इसको जो मैं नीचे थोड़ा सा नीचे भी लेके आ सकता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट जो है आप यहाँ से कर सकते हैं इस लेट नोटिफिकेशन की। और इसको आप सेट कस करेंगे, मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये A50, ये S10, S+, इन सभी सेट में डिवाइस में आप सेट कैसे करेंगे, तो सिलेक्ट सेट पे जाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे S10, अगर S10 है आपका क्लिक करेंगे तो S10 का यहाँ पे कैमरा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि S10 Plus का है तो S10 Plus का आ जाएगा। तो जैसे कि मेरा है A50 तो मैं A50 पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह जो है आप इसे सेट करेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट पर सेट पे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों इसमें एक और बड़ी बात, एक और बड़ी चीज़ है वो भी आपने देखनी है, वो है हमारी यहाँ पे चार्जिंग स्टाइल। दोस्तों चार्जिंग स्टाइल का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलता है, मैं इसको लाइव प्रूफ को बताता हूँ। जैसे मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊंगा, तो चार्जिंग पे लगाऊंगा तो ये लेट जैसे लाइट बनना स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 1 2 3, मतलब कि ये जो मैं इसको लॉक भी लगा दूं, मैं अपने फ़ोन को लॉक लगाऊंगा फिर भी जब मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊंगा यहाँ पे लाइट जो है यहाँ पे इस तरह ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। और जब ये ग्रीन में हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी जो है वो बिल्कुल ही फुल हो चुकी है, मतलब कि आपकी बैटरी जो है फुल हो चुकी है। तो ये थी कुछ सेटिंग्स, आप इसकी बैटरी की सेटिंग भी यहाँ पे, चार्जिंग सेटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लो कि आप यहाँ से डॉट, यहाँ पे आपको जैसे चार्जिंग स्पीड, यहाँ पे चार्जिंग स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से जितना ज़्यादा यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको। और बस ये थी कुछ सेटिंग्स। और लाइव फुली चार्ज, जब फुली चार्ज हो जाएगा तो आपका इस तरह से ग्रीन
सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा। मान लो आपकी बैटरी जो है फुल हो चुकी है, तो यहाँ से ग्रीन सिग्नल देना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप कलर भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो आपको फेवरेट कलर है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये वर्क करती है जो मैंने आपको बताया, जो मैंने टाइटल पे दिया हुआ है, A50, A20, A30, S10, S10 प्लस, इन डिवाइसेस में ये वर्क करेगी जिनके फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है। बाकी के डिवाइस में आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने तो ट्राई किया नहीं, लेकिन आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मेरे फ़ोन पे जो है नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी जो मैं अपने फ़ोन पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करूँगा, तो मान लो मैंने व्हाट्सएप मैसेज यहाँ से कर दिया, तो देख सकते हो यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है और यहाँ पे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुकी है। जो मेरी लेड है ऊपर वहाँ पे जो है देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गई है। तो आप जो है इस तरह जो है आपको नोटिफिकेशन साइन मिलेगा, तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह ये वर्क करता है और चार्जिंग पे यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा, तो आप चार्जिंग पे लगा के भी देख सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो लाइक करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।